हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खान पान और पकवान। आज मेरे किचन से आपके लिए आ रहा है तवा मटन। इसके इंग्रेडिएंट्स इस प्रकार हैं: धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 2 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर या लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, हरे पपीता का पेस्ट 2 टेबलस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, प्याज मीडियम साइज 2 कटे हुए, टमाटर 2 कटे हुए, धनिया पत्ती गार्निश के लिए। मैंने यहाँ यूज़ किया है 50 ग्राम सरसों का तेल, आप कोई और तेल भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन 5 पीसेस, अदरक 1 इंच कटा हुआ, हरी मिर्च 2 कटे हुए, बोनलेस मटन आधा केजी। मटन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। अब इसमें हम मिक्स करते हैं सारे पाउडर्ड मसाले, उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और अब डालेंगे अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें, जो है पपाया का पेस्ट, हरा पपाया पेस्ट। यह मटन को गलने में हेल्प करता है और इसे तवा मटन या तवा फ्राई वाले मटन में डालना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर हम मटन को प्रेशर कुक नहीं कर रहे होते हैं। और फिर डाल देंगे सरसों तेल भी, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके मैरिनेट करके इसे छोड़ देना है करीब 4 से 5 घंटे। रख देते हैं इसे फ्रिज में और मिलते हैं कुछ घंटों के बाद। हो गए हैं 4 घंटे, अब चलिए पकाना शुरू करते हैं। तेल, उसमें लहसुन, हरी मिर्च और प्याज, आधा प्याज जितना हमने काटा है उसका आधा प्याज यूज़ करेंगे, और साथ साथ डाल देंगे मटन और इसे अच्छे से तवे में फैला देंगे। फिर इसे चलाते रहिए और ढक्कन बंद करके बहुत ही कम फ्लेम पे इसे कुक करते रहना है, और बीच बीच में स्टर भी करते रहना है। अब इसे पकते पकते हो गया है करीब आधा घंटा, और अब उसमें फिर से डाल दीजिए बचे हुए प्याज और टमाटर, स्टर कीजिए और ढक दीजिए। देखिए 10-15 मिनट के बाद और बहुत सारा पानी छूट गया है, मटन भी गलने लग गया है। अब ढककर और कुक करते रहिए। अब हो गए करीब 1 घंटे, डिपेंड्स ऑन द मटन की क्वालिटी कि 1 से 1.5 घंटा लग जाता है मटन गलने में। धनिया पत्ती से गार्निश कीजिए। तैयार है स्टार्टर तवा मटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।